इनेलो के युवराज दिग्विजय चौटाला को राजनीति में बच्चे की संज्ञा देने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर भी बड़ा बयान देते हुए तंवर को भी बच्चा और अपरिपक्व करार दिया है। इसके अलावा विज ने कांग्रेस को नेताविहीन पार्टी कहकर नहीं बहस को हवा दे दी है। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अपने शब्दों के बाण कांग्रेस पर दागे हैं। विज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को राजनीति में बच्चा, अपरिपक्व और नासमझ करार देकर प्रदेश की सियासत में नई बहस को हवा दे दी है। गौरतलब है कि तंवर से पहले भी विज इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को राजनीति में बच्चा करार दे चुके हैं। अब खेल मंत्री अनिल विज ने अपने बयानों की बाउंसर तंवर पर फेंकी है। देखना होगा कि तंवर विज की इस टिप्पणी का किस तरह से जवाब देंगे। बता दें कि तंवर ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों के विदेश दौरों पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद विज ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों में मंत्री विदेशों में सरकारी कामों से जाते हैं, पर अनुभवहीन अशोक तंवर को शायद इसका ज्ञान नहीं है। वो बच्चा है और उसे राजनीति का कोई ज्ञान भी नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये अशोक तंवर थोड़ा परिपक्व नहीं है और इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। सरकारों का इनका कभी कोई अनुभव नहीं रहा है। देखिए, हमेशा बाहर से सीखने के लिए और लोगों से बात करने के लिए हमेशा सरकारों के लोग जाते रहे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा अजूबा हो गया कि पहली बार कोई हरियाणा का मंत्री विदेश में चला गया। ऐसा नहीं है, केंद्र से भी जाते रहते हैं, सभी प्रदेश सरकारों से जाते रहते हैं और पहले भी जाते रहे हैं। लेकिन अशोक तंवर बेचारा अभी बच्चा है, इसको आ जाएगी धीरे धीरे समझ। कर्नाटक चुनावों में अब की बार कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता भी प्रचार करते नजर आएंगे। इस फेहरिस्त में शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के नाम भी शामिल हैं। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताविहीन पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी प्रचार को मना कर चुकी हैं। जो पार्टियां कल तक इनका विरोध करती रही हैं, वही आज इनके पक्ष में प्रचार करेंगे। ये देश का दुर्भाग्य ही है। राहुल गांधी पर भी चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, अगर इन्हें बोलना आता तो ये दूसरों को बोलने से रोकने का अभियान ना चलाते। इन्होंने संसद का पूरा सत्र बर्बाद कर दिया। देखिए, कांग्रेस तो नेताविहीन हो गई है और कांग्रेस की सोनिया गांधी ने पहले कह दिया कि मैं कर्नाटक में नहीं जाऊंगी, तो अब इनको इम्पोर्ट करने पड़े। इन्होंने दूसरी पार्टियों के इम्पोर्ट किए हैं और बात यह है कि जिन पार्टियों का ये विरोध करते रहे हैं या जो पार्टियां इनका विरोध करती रही हैं, आज वो इनके पक्ष में जाके प्रचार करेंगे। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है।